आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। अमेरिका ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा कि मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग और उससे जो संदेश दिया गया वो बेहद निराशाजनक था। दरअसल पीएम मोदी 8 जुलाई को जब रूस गए थे उसी वक्त नाटो देशों की बैठक भी चल रही थी। विदेश मामलों पर बनी अमेरिका की संसदीय कमेटी ने बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू ने कहा, हम इस मामले में भारतीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। मोदी के मॉस्को दौरे पर अमेरिका बारीकी से नजर बनाए हुए था। दोनों देशों के बीच कोई अहम रक्षा समझौता नहीं हुआ, न ही उन्होंने तकनीक साझा करने पर कोई खास चर्चा की। अमेरिकी अधिकारी ने बैठक में कहा, पीएम मोदी ने पुतिन के सामने लाइव टीवी पर कहा कि जंग के मैदान में समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। मोदी ने जंग में बच्चों के मरने पर भी दुख जताया था। व्हाइट हाउस ने भी भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता नहीं होने की सराहना की। वहीं रिपब्लिक पार्टी के सदस्य जो विल्सन ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमले के दिन मोदी के पुतिन को गले लगाने पर हैरानी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड डू के बयान पर अब भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत का रूस के बीच कई सालों से संबंध है। यह संबंध दोनों पक्षों के आपसी हितों पर आधारित है। दुनिया में सभी देशों को अपना हित चुनने की आजादी है, इसलिए सभी को यह हकीकत समझने की जरूरत है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।